फ्रेंड्स, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आपका जायका प्यार का में। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मुरादाबादी दाल की रेसिपी, जिसे हम एक चाट के रूप में खाते हैं। इसे हम मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मुरादाबादी दाल बनाने के लिए हमें जरूरत होगी मूंग की दाल की, जिसे हमने 2 कटोरी मूंग की दाल को 1 घंटा भिगो करके ले लिया है। साथ ही हमें जरूरत पड़ेगी बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, हरा मिर्च, मक्खन, जिंजर, जूलियंस और नींबू की। इसके साथ ही हमें जरूरत होगी कुछ मसालों की। सबसे पहले हींग की जरूरत पड़ेगी, नमक, अमचूर पाउडर, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला की। फ्रेंड्स, पापड़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 कप मैदा और 1/2 कप सूजी का ये मिक्सचर है, इसको ले लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक और चलिए अब इसे डो बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, हमारा पापड़ी का डो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे 20 मिनट के लिए, उसके बाद इसे खोलते हैं। फ्रेंड्स, दाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मूंग की दाल 2 कटोरी, जो हमने 1 घंटा भिगो कर ले लिया है। फ्रेंड्स, दाल में अब हम डालेंगे पानी। जितनी आपने दाल ली है उसका 2 गुना पानी डालना होता है। हमने 2 कटोरी दाल ली थी तो हम इसमें 4 कप पानी डालेंगे, 4 से 5 कप। और ये 5वां कप। अब हम इसमें डालेंगे हींग 1/2 चम्मच और स्वादानुसार नमक। फ्रेंड्स, अब हम इसे ढक्कन लगा देते हैं और फ्लेम को ऑन कर देते हैं। 1 विसल आने के बाद इसको खुला पकाएंगे, तो जो भी प्रोसेस होगा आप देखिएगा। तब तक हम बनाते हैं अपनी पापड़ी। फ्रेंड्स, जब तक हमारी दाल बनती है तब तक हम पापड़ी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, छोटी छोटी लोइयां बनाकर उनमें थोड़ा सा परथन लगाकर बेलेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह बेल कर हम सारी पापड़ियां तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी दाल में विसल आ गई थी। अब हम इसे स्लो आंच पे 20 मिनट पकाएंगे खुला, और ये हमारी पापड़ी
बेल कर तैयार हो गई है, इसे डीप फ्राई करेंगे। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी मुरादाबादी दाल की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, हमारी पापड़ी हम इसी तरह सारी पापड़ी बना लेंगे। और हम अपनी दाल देख लिए, दाल में मलाई पड़ चुकी है, हमें यही मलाई चाहिए थी। फ्रेंड्स, हमारी पापड़ी बनकर तैयार है, अब हम दाल को सर्व करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, थोड़ा सा गार्निश करने को बचा लेंगे, टमाटर इसको भी थोड़ा सा बचा लेंगे और हरी मिर्च। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे भुना जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुरादाबादी दाल को हम एक चाट के रूप में खाते हैं और इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, तो आप एक बार जरूर बनाएं। चलिए अब मैं इसे सर्व करती हूँ। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैंने सर्व कर दिया है, अब हम इसे करेंगे गार्निश। ये पापड़ी डालेंगे, इसमें लगाएंगे स्पून, गार्निश करेंगे प्याज से, टमाटर, मिर्च, थोड़ा सा भुना जीरा डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसमें लगाएंगे नींबू, इसको हमने स्लाइस को बीच से फाड़ लिया था
ताकि ये इजली इसमें लग जाए। अब डालेंगे इसमें जिंजर जूलियंस, और सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें मक्खन। ये सभी इंग्रेडिएंट्स मुरादाबादी दाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, हमारी मुरादाबादी दाल बनके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। यदि आपको हमारे मुरादाबादी दाल की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।